हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आपको अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है सो यू कैन यूज आवर रेफरल कोड दैट इज रैंक 10। बाई यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड इफ यू हैव एनी क्वायरीज रिलेटेड टू अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन सो यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस एट द गिवन नंबर। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द कोर्स, ये जो कोर्स है ये तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक की समरी है। और आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ लेसन नंबर 10, दैट इज अबाउट हर्षवर्धना। आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धना के बारे में, वॉट आर हिज अचीवमेंट्स एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन हिस्ट्री। वहीं अगर बात करें प्रीवियस सेशंस के बारे में, तो मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में लेसन नंबर 1 to 9 जो है कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है सो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन चेक द प्रीवियस सेशंस फ्रॉम देयर एंड मस्ट गो एंड वॉच। सो आइए कोर्स कंटिन्यू करते हैं। जो आज का सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे हर्षा के बारे में, जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें हर्षवर्धना की लाइफ के बारे में पता लगता है उनके बारे में, हर्षा की अर्ली लाइफ के बारे में, हर्षवर्धन की मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में, उनके बुद्धिज्म में कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ऑल दीज टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन टूडेज सेशन। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द सोर्सेज, अगर हम बात करें हर्षवर्धना की, तो जो टाइम गिवन है, जो टाइम माना जाता है हर्षवर्धना का, वो माना जाता है 606 AD से 647 AD तक, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ 7th century AD। अगर हम इससे पहले देखें थोड़ा सा अपना हिस्ट्री की तरफ देखें, तो जब गुप्ता एम्पायर फॉल हुआ था विद द हुंस इन्वेजन और द अदर लोकल इंडिपेंडेंट्स, जो डायनेस्टीज थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, क्योंकि जो गुप्तास के लेटर रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे और वो अम्पायर को पॉलिटिकली यूनाइट नहीं रख पाए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक तरह के से पॉलिटिकल डिसऑर्डर और एक डिसयूनिटी थी नॉर्थ इंडिया के अंडर, ठीक है। और वो जो फिर आफ्टर द हर्षा, जब हर्षवर्धन ने अम्पायर एस्टैब्लिश किया 7th century AD की बिगनिंग में, उसके बाद ही जो है वो एक तरह के से पॉलिटिकल जो डिसऑर्डर है वो ख़त्म हुआ और एक पॉलिटिकल यूनिटी आई नॉर्थ इंडिया के अंडर आफ्टर द हर्षवर्धन एस्टैब्लिश द लार्जर किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया। अगर हम बात करें सोर्सेज के बारे में जिनसे हमें हर्षवर्धना के बारे में पता लगता है, तो जो चीफ सोर्सेज माने जाते हैं उसमें सबसे मेन है हर्षाचरित, जो कि है लिखा था बाण भट्ट ने, और जो बाण भट्ट है वो कोर्ट पोएट था हर्षा की कोर्ट में, ओके। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें कुछ फॉरेन अकाउंट्स की, तो देर आर ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ ह्यूनसांग हु वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर, जिसने इंडिया को जो है विजिट किया था 7th century AD में। तो ह्यूनसांग के जो ट्रेवल अकाउंट्स हैं उनसे भी हमें हर्षा के बारे में, हर्षा की लाइफ के बारे में पता लगता है। अगर हम बात करें हर्षा के खुद के बारे में, तो ही वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी प्रोफाउंड इन द लिटरेचर, वो खुद भी बहुत ज़्यादा लिटरेचर के अंदर एक्टिव था। तो इसलिए हर्षा ने भी कुछ जो है ड्रामाज लिखे, जिनमें मेन थे रत्नावली, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका। ये जो कुछ तीन ड्रामा हैं ये भी जो है हर्षा ने लिखे, इनसे भी हमें जो है काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। वहीं अगर हम बात करें कुछ इंस्क्रिप्शंस के बारे में, तो जो मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद सोनपत इंस्क्रिप्शन है और बाण सखेरा इंस्क्रिप्शन है, ये तीन इंस्क्रिप्शन है जिनसे हमें हर्षा के लाइफ के बारे में, क्रोनोलॉजी के बारे में, उसके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में जो है पता लगता है। कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है? मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनपत इंस्क्रिप्शन एंड बाणसेकरा इंस्क्रिप्शन। तो दीज आर द 3 इंस्क्रिप्शन, ओके। तो ये तो सब हो गया सोर्सेज के बारे में, जो कि हमें हर्षा के लाइफ के बारे में और हर्षा के पीरियड के बारे में बताते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें हर्षा की अर्ली लाइफ के बारे में, तो माना जाता है कि जो हर्षा की अर्ली लाइफ थी वो फुल ऑफ स्ट्रगल्स थी। कैसे? इसके पीछे एक स्टोरी है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले अगर देखा जाए कि हर्षा जो थे वो कौन थे, उनकी कम्युनिटी क्या थी, वो कौन से जो है डायनेस्टी से बिलोंग करते थे,
तो माना जाता है कि जो हर्षा हैं वो पुष्य बीति जो थे उन जो कि फ्यूडरीटरीज थे गुप्ताज की, उनके उन क्लैन से जो है बिलोंग करते हैं हर्षा। हर्षा कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुष्यभूति से, जो कि कौन थे? फ्यूडेटरीज थे गुप्ताज की, ठीक है, यानी गुप्ताज के सबऑर्डिनेट थे। और ये अपने आप को क्या कहते थे? वर्धनास कहते थे ये लोग, ठीक है, ये लोग अपने आप को बोलते थे वर्धनास, एंड दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ताज, यानी गुप्ता के सबऑर्डिनेट्स थे। तो जब हुंस का इन्वेजन हुआ, जैसे हमने पढ़ा कि हुंस के इन्वेजन के बाद काफी सारे जो सबऑर्डिनेट्स थे गुप्ता के, उन्होंने इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसी तरह के से जो पुष्य भीतीस थे, यानी जो हर्षा के एंसेस्टर्स थे, इन लोगों ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहले किंग माने जाते हैं पुष्य भूति के, उनको वो माने जाते हैं प्रभाकर वर्धना। कौन माने जाते हैं? प्रभाकर वर्धना। इनकी कैपिटल थी थानेश्वर में, जो कि कहाँ थी? नॉर्थ ऑफ दिल्ली में, अगर आज का जो दिल्ली है उसके नॉर्थ में थी थानेश्वर। यहाँ पर जो है प्रभाकर वर्धना की कैपिटल थी, पुष्यभूति की कैपिटल थी इनके, ओके। और जो प्रभाकर वर्धना थे, इन्होंने ही जो है टाइटल लिया महाराजा धीराज का। क्या टाइटल लिया इन्होंने? महाराजा धीराज का, ओके। अगर हम बात करें प्रभाकर वर्धना के डेथ के बाद, तो उनके पुत्र राज्यवर्धन ने जो है गद्दी संभाली। ही सक्सीडेड एंड केम टू द थ्रोन। बट वहीं देखा जाता है कि जैसे ही राज्यवर्धना ने गद्दी संभाली तो कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब यहीं से जो है वो स्टोरी का लिंक है जिसकी वजह से हर्षवर्धना जो है किंग बना, जिस वजह से हर्षवर्धना जो है थ्रोन पे आया, ठीक है। तो जो राज्यवर्धना था वो पुत्र था प्रभाकर वर्धना का। वहीं प्रभाकर वर्धना की जो डॉटर थी, जिनका नाम था राज्यश्री, यानी कि हर्षवर्धना की सिस्टर, वो की जो थी मौखरी रूलर ग्रहवर्मन से मैरिड थी, उनकी शादी हो रखी थी मौखरी रूलर ग्रहवर्मन से। वहीं अगर बात करें ऑन कंटेम्प्रेरी, तो एक शशांक रूलर थे, रूलर थे मालवा के देवगुप्त, ठीक है। इन्होंने क्या करा? शशांक जो कि बंगाल का रूलर था, उसके साथ मिलकर के ग्रहवर्मन को मार दिया, ठीक है, ग्रहवर्मन को किल कर दिया, यानी कि हर्षवर्धना के ब्रदर इन लॉ को मार दिया। और जिस वजह से जो राज्यवर्धन था, हर्षवर्धन का बड़ा भाई, वो उसने क्या करा? ही मार्च्ड अगेंस्ट द किंग ऑफ मालवा, ठीक है। इन्होंने जो मालवा का किंग था देवगुप्त, और शशांक जो रूलर था बंगाल का, उनके खिलाफ जो है एक्सपेडिशन किया, मार्च करा। बट इससे पहले राज्यवर्धना अंपायर में अपनी कैपिटल में वापस लौट पाता, तो जो शशांक है जो कि रूलर था बंगाल का, उसने क्या करा? राज्यवर्धना का ट्रेचरसली मर्डर कर दिया, ठीक है। और जो यानी कि अब देखिए आप, हर्षवर्धना के ब्रदर इन लॉ की भी डेथ हो चुकी है, उसको भी जो है किल कर दिया है देवगुप्त और शशांक ने मिलकर के, और शशांक ने ही राज्यवर्धना जो कि हर्षवर्धना के भाई थे, जो कि पुष्यभूति के इस टाइम पे राजा थे क्लैन के, उनको भी जो है ट्रेचरसली उनका मर्डर कर दिया। और जो उनकी सिस्टर थी राजेश्वरी, उसने क्या करा? शी मूव टू द फॉरेस्ट, वो भाग गई, जंगलों की तरफ भाग गई वो, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। सो राजेश्वरी एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट। अब क्या होता है? अब आता है कहानी में मेन ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है कि हर्षवर्धना जो है वो अब बनते हैं किंग। सो हर्षा नाउ सक्सीडेड हिज ब्रदर एट थानेश्वर, यानी कि जो अब राजा बनते हैं वो बनते हैं हर्षवर्धना। और सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि एक तो मैं अपनी सिस्टर को बचाऊंगा, और दूसरा जिन्होंने मेरे भाई को मारा है उनसे मैं क्या करूंगा? बदला लूंगा, ओके, एवेंज द किलिंग ऑफ हिज ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ। जिन्होंने ग्रहवर्मन और राज्यवर्धना को मारा है उनको मैं उनसे बदला लूंगा। और वो कौन थे? देवगुप्त जो कि मालवा का रूलर था, और शशांक जो कि बंगाल का रूलर था। तो वो बोलते हैं कि मैं इन दोनों से जो है बदला लूंगा और अपनी सिस्टर को बचाऊंगा। सो इस मोटिव के साथ, इस एम के साथ हर्षवर्धना जो है गद्दी पर बैठते हैं। सो ये हो गया हर्षवर्धना के अर्ली लाइफ के बारे में, एंड हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, वो कैसे गद्दी पर आए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मिलिट्री कंक्वेस्ट। अगर हम मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में बात करें हर्षवर्धना की, तो
तो सबसे पहले जो हर्षवर्धन ने क्या करा, वो सबसे पहला जो अपना एक्सपेडिशन करा वो करा शशांक के खिलाफ, जो कि बंगाल का रूलर था, जिसने कि राज्यवर्धना और उनके ब्रदर इन लॉ गृहवर्मणा को मारा था। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट एक्सपेडिशन हर्षा ड्रोव आउट शशांक फ्रॉम कन्नौज। इन्होंने शशांक को हरा दिया और उसको कन्नौज से बाहर निकाल दिया और कन्नौज को जो है अपनी न्यू कैपिटल बना लिया। पहले इनकी कैपिटल क्या थी? थानेश्वर। नाउ ही शिफ्टेड एंड मेड कन्नौज एज हिज न्यू कैपिटल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, ध्रुव सेन सेकंड जो कि वल्लभी के रूलर थे उनको भी जो है हराया और उनको अपना वसल बना लिया, यानी अपना दास बना लिया, अपना सबॉर्डिनेट बना लिया। ठीक है, ये तो हो गए इनके दो अर्ली एक्सपेडिशंस के बाद, कि ससाम को भी हरा दिया, फिर वल्लभी के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उस टाइम पे ध्रुव सेन सेकंड उनको भी हरा करके अपना वसल बना लिया। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन के बारे में जो कि हर्षवर्धना ने किया था। वो किया था हर्षवर्धना ने चालुक्यास के अगेंस्ट, कौन? पुलकेशिन सेकंड के अगेंस्ट, जो कि कौन थे? वेस्टर्न चालुक्यास जो थे। ठीक है, इन्होंने करा वेस्टर्न चालुक्यास के खिलाफ अपना सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन, और जिसका जिक्र जो है हमें पता लगता है ह्योनसांग के अकाउंट से और पुलकेशिन सेकंड के इंस्क्रिप्शन में से, उसमें से जो है हमें पता लगता है। जो मेन मोटिव था हर्षवर्धना का वेस्टर्न चालुक्यास के अगेंस्ट युद्ध करने का, वो था कि जो उनकी एम्पायर है उसको नर्मदा रिवर के साउथ तक ले जाया जाए। ठीक है, उनका मेन जो एम्बिशन था वो यही था, टू एक्सटेंड हिज किंगडम साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। इस वजह से उन्होंने चालुक्यास के अगेंस्ट जो है मिलिट्री कैंपेन करा, और बट जो हर्षवर्धना है वो पुलकेशिन सेकंड से हार जाते हैं इसमें। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड जो है जीत जाते हैं और हर्षवर्धना हार जाता है। तो इसका हमें पता लगता है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल इंस्क्रिप्शन से और साथ साथ हमें पता लगता है ह्योनसांग के अकाउंट से भी। दोनों जो हैं, ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड और ह्योनसांग के अकाउंट, दोनों ही बताते हैं कि हर्षवर्धना जो है पुलकेशिन सेकंड से हार जाते हैं। इसके बाद जो पुलकेशिन सेकंड है वो टाइटल लेते हैं परमेश्वरा का। ठीक है, ही टुक अ टाइटल ऑफ परमेश्वरा आफ्टर डिफीटिंग हर्षा। ओके, अब उसके बाद जो हम कुछ और एक्सपेडिशंस के बारे में बात करें हर्षवर्धना के, तो वो था इन्होंने सिंध के रूलर के अगेंस्ट भी जो एक मिलिट्री कैंपेन करा। सिंध उस टाइम पे क्या था, एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। हालांकि उसका क्या रिजल्ट रहा, हर्षवर्धना जीते या हारे, ये एक डाउटफुल है, बट माना जाता है कि एक तरीके से सक्सेसफुल ही था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने, जो नेपाल वाला एरिया है, नेपाल ने भी जो है हर्षा की ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करी, नेपाल भी जो है हर्षवर्धना का सबॉर्डिनेट बन गया। ओके, और बोलते हैं कि इन्होंने कश्मीर तक जो है हर्षवर्धना ने आगे चल करके अपना कंट्रोल करा, और जो वहां के रूलर थे वो इनको ट्रिब्यूट्स भेजा करते थे। साथ साथ इनके कॉर्डाइल रिलेशंस थे असम के रूलर भास्कर वर्मना के साथ भी, इनके अच्छे ताल्लुकात थे। किसके साथ? रूलर ऑफ असम भास्कर वर्मना के साथ। अगर बात करें हर्षवर्धना के लास्ट मिलिट्री कैंपेन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो था कलिंग के साथ, यानी इन उड़ीसा, और जो कि था सक्सेस। कलिंग को लास्ट में जीतने में हर्षवर्धना सक्सेसफुल हुए थे। ठीक है, तो ये सोच, ये सब कुछ मिलिट्री कैंपेन्स, जिसमें सबसे पहला था शशांक के अगेंस्ट जिसको हरा दिया था, उसके बाद वल्लभी के रूलर ध्रुव सेन सेकंड के अगेंस्ट इनको भी हरा दिया था, फिर पुलकेशिन सेकंड वेस्टर्न चालुक्यास के अगेंस्ट, इनसे खुद हर्षा हार गए थे, जिसका हमें पता चलता है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से और ह्योनसांग के अकाउंट्स से। तो पुलकेशिन सेकंड ने इसके बाद टाइटल लिया था परमेश्वरा का। फिर इनके बाद इन्होंने सिंध के रूलर के खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन करा, हालांकि वो एक डाउटफुल है कि हारे या जीते। उसके बाद नेपाल ने जो है हर्षा की ओवरलॉर्डशिप, यानी उनके सबॉर्डिनेट बन गए थे नेपाल, इनका कंट्रोल फिर उसके बाद कश्मीर तक था, असम के साथ भी इनके एक अच्छे रिलेशंस थे, और जो लास्ट मिलिट्री कैंपेन था वो था कलिंग के अगेंस्ट, जो कि था सक्सेसफुल कैंपेन। ठीक है, तो ये सब तो हो गया हर्षवर्धना के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। नाउ कमिंग टू द एक्सटेंड ऑफ द हर्षवर्धना एम्पायर, यानी कहाँ कहाँ पर हर्षवर्धना का कंट्रोल था। तो
तो माना जाता है कि जो हर्षवर्धना का कंट्रोल था वो ज्यादातर पूरे नॉर्थ इंडिया में वाले पोर्शन में ही था, होल्ड ओवर द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जिसमें जो अगर आज के रीजन्स की बात करें तो वो है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो ये सब कुछ एरियाज जो हैं अगर प्रेजेंट डे में देखेंगे तो इनका जो है डायरेक्ट कंट्रोल था हर्षवर्धना का इन एरियाज में। अगर बात करें उनके इन्फ्लुएंस के बारे में तो कुछ पेरिफेरल स्टेट्स भी थे, यानी कि उनके सबॉर्डिनेट स्टेट्स भी थे जो कि हर्षवर्धना को ट्रिब्यूट्स वगैरह भेजा करते थे, जिनमें थे कश्मीर, सिंध, वल्लभी एंड कामरूप। ये सब भी जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जो कि पेरिफेरल थे, सबॉर्डिनेट थे हर्षवर्धना के। सो दिस वॉज अबाउट द हर्षवर्धनाज मिलिट्री कैंपेन एंड हिज किंगडम, कि उनके अम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड था। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये नर्मदा रिवर से इधर और ये यहाँ पर, फिर इधर ऊपर जा करके ये जो पूरा रीजन है ये हर्षा के कंट्रोल में था, ये था ठीक है, जिसमें हर्षवर्धना के इन्फ्लुएंस थी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द हर्षवर्धना अम्पायर। सो गाइस याद रखिएगा, अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के टाइम यू हैव टू यूज आवर रेफरल कोड फॉर अ गुड डिस्काउंट, दैट इज रैंक 10। ये कोड यूज करके आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा ऑन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, सो नाउ कंटिन्यूइंग, अब हम बात करें अगर हर्षवर्धना के कल्चरल पर्सपेक्टिव से कि उन्होंने रिलीजियन के लिए क्या किया। मिलिट्री कैंपेन्स को तो हमने पढ़ लिया, नाउ कमिंग टू द बुद्धिज्म, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्षवर्धनास इन द बुद्धिज्म। ठीक है, जो हर्षवर्धना थे वो पहले कौन थे, सैव थे, वो सैविज्म के जो है फॉलोअर थे, एक सैव भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। उसके बाद जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, और उनको कन्वर्ट किसने किया, ह्यून सांग ने उनको एक महायान बुद्धिज्म बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हर्षा ने जो अपनी किंगडम है उसके अंदर प्रोहिबिट कर दिया एनिमल फूड का, यानी कि एनिमल जीव हत्या नहीं होगी अलाउड, और अगर कोई करेगा तो उसको बहुत ज्यादा कड़ा दंड दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद इन्होंने काफी सारे स्तूपाज बनवाए और कुछ ट्रैवलर्स के लिए अलग अलग रेस्ट बनवाए, यानी कि जो जो भी ट्रैवलर्स थे उनके लिए आराम गृह जिनको बोलते हैं, विश्राम गृह बोलते हैं, वो सब बनवाए कि ट्रैवलर्स आके वहाँ पे रेस्ट कर सके। साथ साथ कुछ मोनेस्ट्रीज भी बनाई बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है, अब माना जाता है कि जो हर्षवर्धना थे ये हर 5 साल में एक असेंबली करते थे जिसके अंदर ये हर रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है बुलाते थे और उनको गिफ्ट्स वगैरह देते थे और चर्चा करते थे रिलीजन के बारे में, एग्जामिन करते थे बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन को और डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स को ये जो है उसमें उनके बारे में चर्चा करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें दो असेंबलीज की जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे पहले तो है कन्नौज असेंबली, जिसका हमें पता लगता है ह्यून सांग के अकाउंट्स से। जो ये असेंबली थी ये हर्षवर्धना ने रखी थी चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग को ऑनर देने के लिए। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी, कन्नौज में हुई थी, और इसके अंदर सारे रिलीजियस सेक्ट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इनवाइटेड थे, और बहुत बड़ी जो है ये असेंबली हुई थी उस टाइम पे, जिसमें 20 किंग्स, 1000 स्कॉलर्स स्कॉलर्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एंड 3000 हिनाइस्ट एंड महायनिस्ट और 3000 ब्राह्मण्स और जैन जो थे जिन्होंने अपने पार्टिसिपेट करा इस असेंबली के अंडर। अब आप देख सकते हैं कितने ज्यादा लोगों ने, यानी कि 5 से 6 हजार लोगों ने इस असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट करा, तो कितनी बड़ी असेंबली थी ये, और ये असेंबली रखी गई थी ह्यून सांग को ऑनर करने के लिए। ठीक है, इस असेंबली, ये जो असेंबली है ये 23 दिन तक चली, और इसके अंदर ह्यून सांग ने जो है एक्सप्लेन की महायान डॉक्ट्रिन जो बुद्धिज्म का है उसकी वैल्यूज के बारे में। हालांकि जब इतने सारे रिलीजियस सेक्ट्स के और लोग भी थे तो कुछ मतभेद तो होना था ही, तो इस वजह से वहां पर क्या हुआ, उस असेंबली में वायलेंस हो गई और जो है मतलब वहां पर जो है लोगों में कहा सुनी हो गई। ठीक है, तो ये जो असेंबली है ये रखी गई थी मेन ह्यून सांग को ऑनर करने के लिए। अगर हम बात करें जो ये हर 5 साल में होती थी असेंबलीज उनके बारे में, ठीक है, तो उसमें से एक असेंबली जो इम्पोर्टेंट मानी गई है वो मानी गई है अलाहाबाद की कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई थी प्रयाग में। उस टाइम पे एंशियंट टाइम में
प्रयाग बोला जाता था अलाहाबाद को, जो कि आज भी जो है अलाहाबाद का क्या नाम हो गया है, प्रयागराज। तो उस टाइम पे भी, एंशियंट टाइम पे भी प्रयाग बोला जाता था। तो ये वही नॉर्मल कॉन्फ्रेंस थी जो हर 5 साल में होती थी। अब इसके अंदर जो है ह्यून सांग ने इसके बारे में बोला है कि हर्षवर्धना ने इस असेंबली के अंदर अपनी जितनी भी वेल्थ थी, वो सारे जितने भी लोग आए थे, मेंबर्स आए थे रिलीजन कम्युनिटीज के, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हालांकि उसने मतलब इतना तक उसने अपना डोनेट, अपने जो क्लोथ्स हैं जो पहने हुए थे और जो ज्वेल्स हैं, यहाँ तक कि वो भी उसने अपने डोनेट कर दिए। यानी वो बिल्कुल ही कंगाल हो गया, कंगाल इन द सेंस अपना सब कुछ जो है उन्होंने डोनेट कर दिया। तो कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ह्यून सांग ने इस इवेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बताया है। कोई भी किंग ऐसे नहीं कर सकता कि अपनी सारी धन दौलत, अपने शरीर के कपड़े, अपने शरीर के गहने तक जो है उतार करके डोनेट कर दे। तो इसको बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड वे में जो है ह्यून सांग ने डिस्क्राइब किया है, ये काफी स्कॉलर्स का मानना है। सो ये तो कुछ था बुद्धिज्म और हर्षा के बारे में, ठीक है, कि क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था बुद्धिज्म में। वहीं अगर हम आगे बात करें हर्षवर्धना के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो बोला जाता है कि जो हर्षवर्धना का एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी हद तक गुप्ताज के एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ही था। इसके बारे में ह्यून सांग के अकाउंट से जो है हमें डिटेल में पता लगता है। जो किंग था वो वैसे मेन था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और अपनी ड्यूटीज वगैरह डिस्चार्ज करता था वो, ठीक है, और बीच बीच में वो इंस्पेक्शंस में जाता था, इंस्पेक्शन के लिए जाता था अपनी जो एम्पायर थी उसमें, थ्रू आउट हिज डोमिनियन, ठीक है, जहां जहां पे किंग का कंट्रोल था। किंग सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेन हेड था, फिर उसके बाद वो अपनी जितनी भी ड्यूटीज हैं वो सब डिस्चार्ज करता था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स जो उनको असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद जो है किंग जो है यानी हर्षा जो है वो इंस्पेक्शन के लिए जाता था अपनी अंपायर में कि सब ठीक ठाक चल रहा है ना, सारी व्यवस्था सही है ना। मतलब वहीं अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो बोला जाता है कि जो टैक्सेशन है वो भी इतना कठोर नहीं था, मतलब लाइट ही था, और जो फोर्स्ड लेबर है, बंधुआ मजदूर है, वो बहुत ही कम देखने को मिला है। और जो टैक्स का अमाउंट था लैंड टैक्स का, वो होता था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। यानी कि अगर आपने सपोज 6 किलो उगाया है तो आपको 1 किलो जो है एज अ टैक्स देना पड़ेगा। और अगर बात करें क्रूअल पनिशमेंट्स के बारे में, तो वो हर्षा के टाइम में भी थी, जैसे कि मौर्यास के अंडर थी पनिशमेंट, उसी टाइप से हर्षा के टाइम पे भी थी वो। और अगर बात करें हर्षा की आर्मी के बारे में, तो जो उसकी आर्मी है वो वही ट्रेडिशनल तरीके से 4 डिवीजन्स में डिवाइडेड थी, जिसमें थे फुट सोल्जर्स, हॉर्स सोल्जर, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स, 4 पार्ट्स में वो डिवाइडेड थी। जो उनकी कैवलरी है, माना जाता है कि वो 1 लाख थी, यानी कि मोर देन 1 लाख थी कैवलरी। वहीं एलिफेंट्स जो है उनका नंबर माना गया है 60,000। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आर्मी थी हर्षा के अंडर। और जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स होते थे वो भी जो है टाइम टू टाइम मेंटेन हुआ करते थे, और उनके लिए भी जो है कई स्पेशल ऑफिसर्स होते थे। और जो ये रिकॉर्ड हैं ये विलेज लेवल पे रिकॉर्ड हुआ करते थे, और इन जो आर्काइव्स हैं इनको बोला गया है नीलोपितु, ठीक है। और इन्हीं से जो है हमें जितने भी गुड और बैड इवेंट्स हुए हर्षा के टाइम में उनके बारे में पता लगता है। सो कीपिंग अप ऑफ द रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग द पब्लिक रिकॉर्ड्स इज द मेन एंड द सैलियंट फीचर ऑफ द हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो ये सब तो था हर्षा की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगर हम बात करें अब आगे हर्षा के टाइम पे कैसी सोसाइटी थी, क्या इकोनॉमी थी, तो आइए उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो जो हर्षा के टाइम पे सोशल लाइफ थी उसी वो उसमें क्या था, हमें उसके बारे में जो पता लगता है वो पता लगता है बाणभट्ट और ह्यून सांग के अकाउंट से। तो जो सोसाइटी थी वही वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, यही 4 पार्ट्स थे। इसमें जो ब्राह्मण्स थे ये बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज थे, ठीक है, और इनको जो है लैंड ग्रांट्स भी देता था किंग, और नोबल्स उनको लैंड ग्रांट्स भी देते थे। वहीं क्षत्रिया जो थे वो रूलिंग कम्युनिटी थे, रूलिंग क्लास थे, वैश्या जो थे वो मेन ट्रेडर्स थे, और जो शूद्रास हैं माना जाता है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, और कुछ साथ साथ काफी सारी सब कास्ट भी एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये सब हमें पता लगता है बाणभट्ट
और ह्यूनसांग के अकाउंट से। अगर बात करें हम वुमेन की पोजीशन की कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ हर्षा, तो वो काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। जो स्वयंवर थे वो होने बंद हो गए थे, यानी कि अब जो लड़की जो ब्राइड है वो अपना हस्बैंड जो है वो नहीं चूज कर सकती, ठीक है। और साथ में विडो की जो रीमैरिजेज है वो भी परमिटेड नहीं थी। मेन जो हाई क्लास थी, हाई क्लास में तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी ये, मतलब बैन थी बिल्कुल। और वहीं अगर बात करें डाउरी के बारे में, तो डाउरी जो है, सिस्टम ऑफ डाउरी बहुत ज्यादा कॉमन था, और सती प्रथा भी जो है वो उस टाइम पर होती थी। तो आप खुद देख सकते हैं कि विमेन की क्या पोजीशन थी उस टाइम पर। अगर बात करें हम डिस्पोजल ऑफ डेड की, यानी कि अंतिम क्रिया कैसे करी जाती थी, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हैं क्रेमेशन, वाटर बरियल और एक्सपोजर इन द वुड्स। ये तीन तरह के डिस्पोजल ऑफ डेड्स बताए हैं ह्यूनसांग ने, कि भाई क्रेमेशन करा जाता था, वाटर बरियल्स होते थे, और एक्सपोजर कर दिया जाता था जंगलों में, यानी कि सॉरी वुड्स में, यानी कि लकड़ियों में जला दिया जाता था। तो ये कुछ थे उस टाइम पर कि डेड्स को कैसे डिस्पोज करते थे। तो ये सब तो हो गया हर्षा के टाइम की सोसाइटी के बारे में, कि वही चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वेमेन की पोजीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी उस टाइम पर, वो सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल नहीं थी। अगर बात करें डिस्पोजल ऑफ डेड की, तो तीन तरह के से डेड को डिस्पोज किया जाता था, जिसमें था क्रेमेशन, वाटर बरियर और एक्सपोजर इन द वुड्स। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो माना जाता है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो हर्षा के टाइम पे क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। और क्यों, हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज जो ट्रेड सेंटर्स हैं उनके हमें डिक्लाइन में का एविडेंस मिलते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है लेस दिखते हैं, स्लो एक्टिविटीज दिखती हैं मर्चेंट गिल्ड की। तो इससे पता लगता है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो हर्षा के टाइम पे डिक्लाइन हुआ था। इसी वजह से क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, और जो फार्मर्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो जो है प्रोड्यूस करने लगे बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है, क्योंकि डिमांड थी नहीं, तो वो प्रोड्यूस करके क्या करते, तो इसलिए जो है प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन आया। और इसके साथ साथ क्या हुआ, एक सेल्फ सफिशियंट विलेज इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। सो माना जाता है कि अगर गुप्ता पीरियड से हम कंपेयर करें हर्षा के टाइम की इकोनॉमी को, सो देयर वॉज अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन। ओके, सो हर्षा के टाइम पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा नहीं देखी गई। सो दिस वॉज अबाउट द सोसाइटी एंड इकोनॉमी अंडर द हर्षा। नाउ मूविंग टू द कल्चरल प्रोग्रेस, कि हर्षा के टाइम पे कल्चरल प्रोग्रेस में क्या क्या हुआ। तो बोला जाता है कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो ज्यादातर जो है गुप्ता स्टाइल का ही था, अब भी मतलब कुछ खास ऐसे चेंजेस नहीं आए थे उसके अंदर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मोस्टली फॉलोड द गुप्ता स्टाइल, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो ह्यूनसांग बताते हैं कि हर्षा के टाइम पे काफी ज्यादा ग्लोरी आई थी मोनेस्ट्रीज में, यानी मोनेस्ट्रीज को बनाने के तरीके में बहुत ज्यादा ग्लोरी आई थी, बहुत बड़ी बड़ी विथ मैनी स्टोरीज की जो है मोनेस्ट्रीज जो है वो हर्षा ने बनवाई। उन्होंने एक कॉपर स्टैचू भी बनवाया बुद्धा का, जो कि 8 फीट का था हाइट में। तो ये सब हमें पता लगता है ह्यूनसांग के रिकॉर्ड से। वहीं जो है हर्षवर्धना के टाइम का एक टेम्पल है सिरपुर में, वो लक्ष्मण का टेम्पल है, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। वो बना था ब्रिक से, तो ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मणा एट सिरपुर, वो भी काफी फेमस है हर्षवर्धना के टाइम का। अगर हम बात करें अब आर्ट की, लिटरेचर की, तो जो हर्षा है वो पैटर्न थे लर्निंग के और लिटरेचर के, ठीक है। उन्होंने अपनी कोर्ट में जो है किनको रखा था, बाण भट्ट को, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी हर्ष चरित्र। और हर्ष चरित्र के साथ साथ इन्होंने एक बुक और लिखी जिसका नाम था कादम्बरी। और अगर और लोगों की बात करें, और लिटरेरी फिगर्स की बात करें जो बाण भट्ट के अलावा थे हर्षा के कोर्ट में, वो थे मतंक दिवाकर और भर्तृहरि हरि। ये जो थे दो और पोएट थे, फिलोसोफर थे, जो कि हर्षा की कोर्ट में उस टाइम पर बाण भट्ट के अलावा थे। सो इससे पता लगता है कि दैट उनका लिटरेचर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, और वो पैटर्न थे लर्निंग और लिटरेचर के। अगर हर्षा के खुद के बारे में बात करें, तो वो खुद भी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव थे लिटरेचर के अंदर, और उन्होंने तीन प्ले लिखे, यानी तीन ड्रामा लिखे, जो कि है रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा।
इनसे हमें पता लगता है कि कैसे हर्षक खुद भी जो है एक्टिव थे लिटरेचर के अंदर। वही माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को भी हर्षा जो है टाइम टू टाइम सपोर्ट और एंडोमेंट्स देते रहते थे। सो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के को भी पैटर्नाइज किया था, और इन्हीं के टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसने इंटरनेशनल रेपुटेशन ली थी और वो एक लर्निंग का सेंटर बन गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस और फ्लरिश हुआ हर्षा के टाइम पे। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एट इट्स पीक, यानी कि उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन बढ़ गई कि ना इंडिया से ही नहीं बार बार से एशिया के अदर पार्ट से भी जो है स्टूडेंट्स आते थे और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग एज अ डेवलप हुआ। ठीक है, बोला जाता है कि जो ह्यून सांग थे उन्होंने भी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट करी और वो खुद भी कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टूडेंट रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गया कल्चरल प्रोग्रेस के बारे में। तो ये है देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी ना, दिस वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी। खैर अब तो उसके हमारे पास सिर्फ रेन्स ही बचे हैं, मतलब अपने एग्जैक्ट वे में जो ओरिजिनल वे है उसका में तो नहीं है वो, तो ये उसके रेन्स बचे हैं कुछ। तो इससे हमें पता लगता है कि कितनी बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, और ये बनवाई थी कुमार गुप्त वन ने जो कि गुप्ता रूलर थे। चलिए अब थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लें। तो जो चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यून सांग, इन्होंने काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया है अपने अकाउंट्स में, मेंशन अ नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे, वो थे दो। एक तो हीनयान यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ थी, वल्लभी में, और दूसरी महायान यूनिवर्सिटी जो कि थी नालंदा। ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो बिलोंग करती थी महायान बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन को, और जो वल्लभी की यूनिवर्सिटी थी वो बिलोंग करती थी हीनयान को। ठीक है, सो ह्यून सांग के अकाउंट से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम बात करें नालंदा की, तो नालंदा का जो लिटरल मीनिंग है वो है गिवर ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज देने वाला, ये नालंदा का लिटरल मीनिंग है। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा पीछे और बोला था मैंने आपको, और गुप्ता के टाइम पे पढ़ा भी था, जो कुमार गुप्त वन है इन्होंने ही जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को कि ये फाउंडर माने जाते हैं, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, वो थे गुप्ता, कुमार गुप्त वन। और उसके बाद जितने भी सक्सेसर्स आए, जितने भी रूलर आए हर्षा तक, इन लोगों ने क्या करा, नालंदा यूनिवर्सिटी को पैटर्नाइज किया। ठीक है, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे उनको बोला जाता था पंडित, जो वहाँ पर पढ़ाते थे लोग उनको बोला जाता था पंडित, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो हैं दिंगनाग, धर्मपाल, स्थिरामती एंड शिलाभद्र। ये जो चार हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोफेसर्स थे, इम्पॉर्टेंट पंडित थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। वहीं अगर हम बात करें धर्मपाल के बारे में, तो जो धर्मपाल हैं वो कहाँ के थे, कांचीपुरम के थे, यानी वो कांची से बिलोंग करते थे, और वो आगे चल करके नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड भी बने। तो धर्मपाल वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इफ़ यू टॉक अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर जो नालंदा यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें कि वहाँ पे किस टाइप से एजुकेशन होती थी, कैसे स्टूडेंट्स आते थे, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते थे, क्या फीस स्ट्रक्चर था, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, और वहाँ पर एजुकेशन और रहना जो था बिल्कुल ही फ्री था स्टूडेंट्स का। ठीक है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग वॉज फ्री। और जो इसका रेवेन्यू है वो बोला जाता है कि 100-200 विलेज जो है वहाँ से इनको, जो भी 100-200 विलेज किंग्स द्वारा इनको एनरोल्ड थे वहाँ से इनका रेवेन्यू जो है जनरेट होता था, यानी कि जो भी रेवेन्यू 100-200 विलेज से कलेक्ट होता था उनसे नालंदा यूनिवर्सिटी का खर्चा चलता था। ठीक है, और ये जो विलेजेस थे ये कहाँ थे, ये इनको डोनेशन में एंड एज एन एंडोमेंट्स जो हैं ये मिले हुए थे थ्रू डिफरेंट रूलर्स एंड नोबल्स, यानी किंग्स और नोबल्स ने ये विलेजेस जो हैं इनको दिए थे और यहीं से इनका खर्चा चलता था। दो, महानंदा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो एक महायान यूनिवर्सिटी है, बट वहाँ पर डिफरेंट रिलीजियस सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ाए जाते थे। ये नहीं कि वो महायान यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे सिर्फ महायान बुद्धिज्म के बारे में ही पढ़ाया जाए, वहाँ पे हीनयान के बारे में भी पढ़ाया जाता था,
वेदास के बारे में भी पढ़ाया जाता था, संख्या और योग के बारे में भी जो है वहां पर पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं है कि देवर ऑर्थोडॉक्स या स्टीरियोटाइप्स थे वो कि सिर्फ महायान के बारे में ही पढ़ाए, ठीक है। तो दे ऑल देयर वर डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स ऑल्सो, यानी सब रिलीजियस टेक्स्ट सब्जेक्ट्स की जो है वहां पर पढ़ाई होती थी। अगर हम बात करें कुछ जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में, तो लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और आर्ट, ये सब भी थे सिलेबस का पार्ट थे ये चीज़ें भी, ठीक है। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज से भी जो है आते थे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से तो आते ही थे और डिफरेंट कंट्रीज से भी आते थे, ठीक है। और जो यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस जो है वो होता था एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, यानी कि उस टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना होता था। बोला जाता है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता था। सपोज अगर 1000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो जो रेशियो होता था वो 30% ही होता था, यानी कि सिर्फ 30% लोग ही जो हैं, 30% स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, सिर्फ 30% ही जो है उनको एडमिशन मिलता था नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस टाइप का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस टाइम पर दिया जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स के बारे में, तो जो ईत सिंह है, जो जो कि एक चाइनीज पिलग्रिम थे जो ह्यूनसांग के बाद आए थे, वो बताते हैं कि अराउंड 3000 स्टूडेंट्स वर देयर इन नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा और किस टाइप की वहाँ पर नॉलेज और एजुकेशन दी जाती थी स्टूडेंट्स को, किस टाइप का कंपटीशन था, क्या वो एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, किस क्वालिटी की प्रोवाइड कर रहे थे, तो आप ये खुद सोच सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ऑल अबाउट द हर्षास। इस सेशन के अंदर हमने देखा हर्षवर्धना के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, सोर्सेज जो हर्षवर्धना के बारे में पढ़ाते हैं, और हर्षवर्धना और बुद्धिज्म के बीच में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हर्षवर्धना का, फिर उनका आर्ट और आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, और नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी इम्पॉर्टेंट थी उस टाइम पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और अगर बात करें हम अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, सो गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज़ आवर रेफरल कोड दैट इज़ RANK10। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे हमारा अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के टाइम, तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा अन अकेडमी प्लस पर, ठीक है। अन अकेडमी प्लस ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है, और इनसे आपको जो है एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने में हेल्प होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गो एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी प्लस एंड यूज आवर रेफरल कोड RANK10। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर।